सो अब हम बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस यहां पे एनालाइज करेंगे कि अगर हम कॉनकेव मिरर के सामने अपना ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस करेंगे तो जो इमेज हमारी फॉर्म होगी वो बेसिकली किस साइज की होगी, उसका नेचर क्या होगा, ये सब अब हम एनालाइज करेंगे इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट विथ केस नंबर वन। फर्स्ट केस है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। इस केस में हम ये देखेंगे कि जब हम अपना ऑब्जेक्ट एक पोल या फोकस के बीच में रखेंगे तो जो इमेज हमारी फॉर्म होगी वो कैसी फॉर्म होगी। सो इसको देखने के लिए वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम ओवर हियर, जिसमें कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करेंगे एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज ऑफ दिस काइंड, बेंट इन सरफेस होगा इसका लाइक दिस। अब इस कॉनकेव मिरर के सेंटर में से वी सपोज दैट देयर इज अ लाइन विच इज पासिंग। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। और जिस पॉइंट पर ये लाइन, इमेजिनरी लाइन, इस कॉनकेव मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करती है उसको हम बोलते हैं पोल और रिप्रेजेंट करते हैं पी से। लेट सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस है इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, जिसको हमने नाम दिया है ए बी। सो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने प्लेस करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कुछ लाइट एमिट करता है अपनी, और वो लाइट जाके इस कॉनकेव मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करती है। लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट ए बी ने भी लाइट एमिट करी जो कि इस डायरेक्शन में गई और उसने स्ट्राइक करा द सरफेस ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। सो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद इट विल बी गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पास करेगी फोकस से। दिस इज द फोकस पॉइंट। ओके, एंड अनदर वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में हमने ये सुना था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जिससे कि अगर लाइट रे पास करती है सो इट विल ट्रेवल बैक इन द सेम डायरेक्शन। ओके, और मूव बैक इन द सेम डायरेक्शन लाइक दिस। सो अगर हम यहां पर देखें तो बोथ द रेज, दिस वन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो फोकस के थ्रू पास कर रही है लाइक दिस, बोथ आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर लाइक दिस। इन दोनों में डिस्टेंस है दिस मच। सो जो इमेज हमारी फॉर्म होगी वो इमेज हमारी फॉर्म होगी समथिंग समवॉट बिहाइंड दिस मिरर। अगर हम इस पाथ को रिट्रेस करें तो ये पॉइंट समथिंग समवॉट यहां पर जाके ये दो रेस मीट करेंगी आपस में और हमारी जो इमेज है वो हमको यहां पर मिलेगी लाइक दिस, जिसको हम नाम देंगे ए डैश बी डैश। सो जो फर्स्ट केस है, जब हमने अपना ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में प्लेस करा एट एनी पॉइंट, सो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली बिहाइंड द मिरर, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बेसिकली बिहाइंड द मिरर हमने ऑब्टेन करी। सो इस केस में नेचर ऑफ द इमेज क्या हो गया हमारा, नेचर साइज और हम बोलेंगे नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट की इमेज है दैट इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर, बट जो लाइट रेज है दैट इज नॉट एक्चुअली मीटिंग टूगेदर। जो लाइट रेज है वो हमारी एक्चुअली मीट नहीं हो रही है इन ऑर्डर टू फॉर्म द इमेज,
बट हमारी इमेज फॉर्म हो रही है बिहाइंड द मिरर, सो वी आर इमेजिनिंग कि वो कहीं ना कहीं जाकर मीट हो रही है. सो द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज, हमारा ऑब्जेक्ट इस साइज का था ए बी और इमेज का साइज है ए डैश बी डैश दिस मच. सो साइज इज एनलार्ज्ड. एंड द पोजिशन की बात करें हम, पोजिशन ऑफ द इमेज, सो पोजिशन है हमारी बिहाइंड द मिरर. इमेज कहां फॉर्म हुई हमारी? बिहाइंड द मिरर. सो दिस इज द फर्स्ट केस फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑन अ कॉनकेव मिरर. अब हम केस टू की बात करेंगे. सो केस टू है हमारा, केस टू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस. जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस होगा तो इमेज फॉर्मेशन हमारा कैसा होगा, लेट्स सी. सो हम यहां पर एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं लाइक दिस. इस कॉनकेव मिरर में अगेन हम एक प्रिंसिपल एक्सिस रखेंगे एट द सेंटर लाइक दिस. यहां पर होगा हमारा पोल एट दिस पॉइंट. अब हम क्या बोल रहे हैं, जब हम अपना ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करेंगे, फोकस पर. लेट सपोज हमने अपना ऑब्जेक्ट यहां प्लेस करा एट दिस प्लेस, उसको हमने नाम दिया फोकस एफ. तो जब हम अपना ऑब्जेक्ट फोकस पे भी प्लेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो लाइट एमिट करेगा. सो ये ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करेगा जो कि कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जाके स्ट्राइक करेगी. एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस वो रिफ्लेक्ट बैक होगी और पास करेगी फोकस से लाइक दिस. ओके, एट द सेम टाइम एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी लाइक दिस. ओके, इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया हमने ए बी. सो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास करेगी इट विल रिट्रेस इट्स पाथ बैक. अगर हम इस इमेज को यहां पर ध्यान से देखें तो अगर हम इस इन लाइंस को विच आर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको हम बैकवर्ड रिट्रेस भी करें तो बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं सो बिहाइंड द मिरर ऑल्सो दे विल नेवर गोइंग टू मीट. इस मिरर के पीछे भी वो कहीं पर भी जाकर एक्चुअल में मीट या अपियर टू मीट नहीं होगी. सो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें मिरर के पीछे तो नहीं मिलेगी. दैट्स द वन थिंग. अब इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट की इमेज समथिंग समवॉट फ्रंट में ही फॉर्म होगी इमेज के. ओके, सो बोथ द लाइन्स आर पैरेलल. तो ये लाइन्स भी अगर हम इस डायरेक्शन में इधर स्ट्रेच आउट करेंगे आगे भी तो दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल ही चलती जाएंगी. सो दे विल नेवर गोइंग टू मीट. सो इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन है वो बेसिकली कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, लेट्स सी दैट. सो द नेचर, साइज एंड पोजिशन ऑफ इमेज. ये तीन चीजों को वी हैव टू आंसर. पहली बात है नेचर. सो इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर फॉर्म नहीं हो रही है, मिरर के फ्रंट में ही फॉर्म हो रही है.
So we can say the image is real and inverted. Okay, ये तो हो गया नेचर. अब है साइज. दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो पैरेलल ही चलती जाएंगी. सो जो साइज होगा ऐसी इमेज का कैसा होगा? हाईली एनलार्ज्ड. और पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल ही पैरेलल चलती जाएंगी. सो पोजीशन ऑफ इमेज एक ऐसा पॉइंट है जो हमको भी नहीं पता, वो चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी. सो द पोजीशन ऑफ इमेज इज इनफाइनाइट. सो ये तब होगा जब हम अपना ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस करेंगे. दिस इज द केस. एंड जो इमेज फॉर्म होगी वो हमारी फॉर्म होगी इंफिनिटी पे. साइज होगा हाईली एनलार्ज और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि वो मिरर के फ्रंट में फॉर्म हो रही है. ओके, सो दिस इज द केस टू. सो अब हम बात करने जा रहे हैं केस थ्री की. केस थ्री है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन योर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड फोकस एफ. जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होगा तो इमेज हमारी कैसे फॉर्म होगी? ऑन अ कॉनकेव मिरर. सो लेट्स सी दैट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. यहां पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि होगा कुछ इस तरीके का. अब इस कॉनकेव मिरर के सेंटर में से एक लाइन पास कर रही है, दैट्स अ इमेजिनरी लाइन जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, लाइक दिस. हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा पोल हो गया. हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस है कहीं पे, लाइक दिस. इसको नाम देते हैं ए बी. अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा बियॉन्ड फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो ये ऑब्जेक्ट भी अपनी लाइट एमिट करेगा और वो लाइट रे जाके इस कॉनकेव मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करेगी, लाइक दिस. स्ट्राइक करने के बाद इट विल रिफ्लेक्ट, लाइक दिस. सो जिस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट करने के बाद पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, उसको हम नाम देते हैं फोकस. ओके, एक पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ये पास करेगी, लाइक दिस. सो इस पॉइंट को नाम दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस पे वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करने के बाद रिट्रेस करेगी अपना पाथ बैकवर्ड्स. ओके, सो अगर हम यहां पे देखें तो ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे प्लेस है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड फोकस एफ, लाइक दिस. अगर हम इस रे के पाथ को रिट्रेस करें बैकवर्ड्स, सो हम देखेंगे यहां पर कि ये जो लाइट रे है ये समवॉट समवेयर बिटवीन यहां पर आके मीट करेगी एक दूसरे से. सो आवर लाइट रे विल मीट ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो इधर जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी ए डैश बी डैश. सो
इससे हमें क्या पता चलता है अबाउट द नेचर, साइज और पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में। नेचर कैसा है इमेज का, वो मिरर के फ्रंट में फॉर्म हो कर रही है तो वो होगी रियल, और कैसे फॉर्म कर रही है, इन्वर्टेड पोजीशन में, सो इट्स रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज हमारा इतना था, इमेज का साइज इतना है, सो द साइज इज एनलार्ज्ड। और पोजीशन क्या है इमेज की, यहां पे हमारा पोल है, यहां पे हमारा फोकस है, यहां पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड फॉर्म कर रही है, सो वी कैन से द इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सी, सी इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये केस तब है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, जो इमेज फॉर्म होगी वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, साइज में इमेज का साइज एनलार्ज होगा, और पोजीशन है बियॉन्ड सी, एंड नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि वो मिरर के फ्रंट में फॉर्म हो रही है। सो दिस इज द थर्ड केस। अब हम केस फोर एनालाइज करने जा रहे हैं, सो केस फोर है व्हेन, केस फोर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड when object is placed at center of curvature, see अगर हमारा object center of curvature पे ही रखा हुआ है in front of a concave mirror, so जो हमारी image formation होगी वो किस type की होगी, let's see। यहां पे first of all हम एक concave mirror draw कर लेते हैं, यहां पे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज आवर पोल, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइक दिस, ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसको हमने नेम दिया है ए बी, जो कि लाइट एमिट करेगा लाइक दिस, और ये लाइट रे जाके रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर को स्ट्राइक करेगी, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट विल पास लाइक दिस थ्रू द फोकस। ओके, दिस इज द फोकस, सो इट विल कम लाइक दिस, सो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट है ए, ये अपनी एक और लाइट रे पास करेगा थ्रू फोकस लाइक दिस, जो कि समथिंग समवॉट यहां आकर स्ट्राइक करेगी लाइक दिस, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग जस्ट वेट, it is like this, so after striking it will reflect like this, so jo image formation hoga wo kuch is tarike ka hoga b dash and a dash, so this will be your image, so humne object kahan place kiya tha, center of curvature c pe ab,
यहां से ऑब्जेक्ट के थ्रू एक लाइट रे निकली जिसने रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर को जाके स्ट्राइक किया एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस वो रिफ्लेक्ट बैक हुई लाइक दिस। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट के टिप ने एक और लाइट रे एमिट करी जो फोकस से पास होके इधर स्ट्राइक किया उसने कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को और वो मूव बैक हुई लाइक दिस। सो जो हमारी इमेज थी ऑब्जेक्ट ए बी की वो फॉर्म हुई ए डैश बी डैश जस्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इस केस में हमारा नेचर साइज और पोजिशन ऑफ इमेज क्या रही इस केस में हमारा नेचर ऑफ इमेज है रियल क्योंकि वो फ्रंट में है इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड इन्वर्टेड इन्वर्टेड एस बी डैश ए डैश। साइज द से द ऑब्जेक्ट साइज हमारा इतना था इमेज साइज इतना है सो ऑलमोस्ट द सेम साइज द साइज of the image is same same as that of the object और position of image क्या है at C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर हम अपना एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर सो जो इमेज होगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म होगी और उस ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज एग्जैक्टली सेम होगा एंड द डिफरेंस इज ओनली जो नेचर होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज द केस फॉर जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड है। अब हम बात करने जा रहे हैं केस फाइव की। केस फाइव है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड का सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड beyond C, C is the center of curvature. अगर हम अपना object beyond center of curvature place करते हैं तो हमारी image कैसे या किस nature या size की form होगी let's see that. So again we'll draw a concave mirror. इस कॉनकेव मिरर के सेंटर में से देयर इज अ इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग लाइक दिस दिस इज आवर पोल। ओके अब हमारा ऑब्जेक्ट समथिंग समवॉट यहां पर प्लेस्ड है जिसको हमने नेम दिया है ए बी। सो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये कुछ अपनी लाइट रे एमिट करेगा और वो लाइट रे जाके क्या करेंगी वो लाइट रेस जाके इस कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेंगे लाइक दिस। यहां पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ओके एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट विल मूव लाइक दिस। सो यहां पे हमारा हो गया फोकस इट विल मूव कम लाइक दिस एंड मूव लाइक दिस। ओके अब जो हमारा ऑब्जेक्ट का टिप है वो भी एक लाइट रे एमिट करेगा जो कि पास होगी थ्रू दिस वी हैव अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ओवर हियर इट विल पास लाइक दिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी सो इट विल रिट्रेस इट पाथ बैकवर्ड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ओवर हियर
एक बार वो कॉनकेव मिरर के सरफेस को यहां का स्ट्राइक करने के बाद वो अपना पाथ रिट्रेस करके बैकवर्ड मूव हो जाएगी। सो इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर। बट इमेज हमारी कहां फॉर्म हो रही है? ओवर हियर। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द इमेज विल फॉर्म। सो इमेज है हमारी बी डैश ए डैश। अगर हम ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज कंपेयर करें, सो इट इज वेरी 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 स्मॉल, यू कैन से अ पॉइंट साइज। ओके, सो इस केस में हम क्या कमेंट करेंगे? नेचर साइज और पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में। सो इमेज जो फॉर्म हो रही है फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हो रही है, सो इट इज रियल। कैसे फॉर्म हो रही है? बी डैश ए डैश, सो इट इज इन्वर्टेड। अगर साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज इज वेरी 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 स्मॉल, अ पॉइंट साइज यू कैन से। सो ऐसी इमेज को हम लाइट की टर्म्स में बोलते हैं डिमिनिश्ड। क्या? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है नॉट क्लियरली विजिबल। सो इमेज है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड इज इमेज फॉर्म हो रही है बट इट इज नॉट वेरी क्लियरली विजिबल। पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजिशन क्या है? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड फोकस एफ। सो ये केस तब होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज द केस नंबर 5। अब हम बात करेंगे केस 6 के बारे में। केस सिक्स तब है जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, सो इस केस को भी एनालाइज करने के लिए लेट्स ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? इंफिनिटी पे। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे हमारा हो गया पोल, यहां पे हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे। लेट सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूं सम एट सम इनफाइनाइट पॉइंट लाइक दिस, इसको नाम दे देता हूं ए बी। ए बी अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट इंफाइनाइट पोजीशन पर भी प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट की क्या टेंडेंसी होती है? ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है लाइट एमिट करने की। अगर मैं ऑब्जेक्ट अगर इंफाइनाइट पोजीशन पे भी रखता हूं तो वो भी लाइट एमिट करेगा। लेट सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट ए बी रख दिया एट अ इंफाइनाइट पोजीशन, सो ये ऑब्जेक्ट भी अपनी एक लाइट एमिट करेगा, फ्रॉम इंफाइनाइट पोजीशन से ही करेगा, पर करेगा। सो जो रेज आएंगी इससे वो आएंगी पैरेलल लाइक दिस और आके इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर को स्ट्राइक करेंगी। लेट सपोज इट इज अ बिग ऑब्जेक्ट, सो इसे नाम देते हैं ए बी लाइक दिस। सो यहां से भी कुछ रेज आएंगी और वो भी मिरर के सरफेस को आके यहां पे स्ट्राइक करेंगी। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा? दे विल रिफ्लेक्ट। सो वो रिफ्लेक्ट होके यहां से पास करेगी
और ये वाली रिफ्लेक्ट होके यहां से पास करेगी लाइक दिस एंड लाइक दिस. जिस पॉइंट से वो इंटरसेक्ट करके पास करेंगी एक दूसरे को, उस पॉइंट को विल कॉल अ फोकस एफ. सो अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पोजिशन पे प्लेस्ड है, सो द रे ऑफ लाइट विल कम पैरेलल, वो आके मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करने का रिफ्लेक्ट करेंगी, और जिस पॉइंट पर वो इमेज फॉर्म्ड होगी वो है फोकस. और जो इमेज है इट इज वेरी 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 स्मॉल, पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगी. सो इस केस में व्हाट वी कैन कमेंट, हम क्या कमेंट कर सकते हैं अबाउट द नेचर, साइज एंड पोजिशन ऑफ इमेज. पोजिशन ऑफ इमेज के बारे में नेचर है हमारा क्या, रियल एंड इन्वर्टेड. क्योंकि इमेज मिरर के सामने फॉर्म हो रही है. साइज क्या है, साइज है पॉइंट साइज यू कैन से, और यू कैन ले हाईली, हाईली व्हाट, अभी मैंने एक वर्ड डिस्कस किया था हाईली डिमिनिश्ड. केस फाइव में जो इमेज फॉर्म हुई थी वो डिमिनिश थी, बट इट इज वेरी हाईली डिमिनिश्ड. ओके, मतलब इतनी छोटी है कि दिख भी नहीं रही, इट इज वेरी 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 स्मॉल. और पोजिशन ऑफ इमेज क्या है, एट फोकस. इमेज कहां फॉर्म हो रही है, हमारी फोकस पे. सो अगर हम अपना ऑब्जेक्ट को इन्फाइनाइट पोजिशन पे रखते हैं, सो इमेज विल फॉर्म एट फोकस, होगी हाईली डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर. सो दिस इज द केस नंबर 6. सो यहां पे मैंने एक चार्ट बनाया है टू एक्सप्लेन द केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जो कि अभी हमने जस्ट देखे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर. अगर हम किस पोजिशन पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो हमारी इमेज कहां पर बनेगी, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन दिस चार्ट. सो फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट करता है पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट करता है पोजिशन ऑफ इमेज को, थर्ड बताता है साइज ऑफ इमेज क्या होगा, एंड फोर्थ वन विल रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ इमेज. ये चार्ट इसलिए है बिकॉज इन केस ऑफ योर एग्जाम्स, एग्जाम में आपको रिमेंबर करना इजी रहे, दैट्स व्हाई मैंने एक चार्ट बनाया हुआ हियर. सो अगर हम अपना ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारी पोजिशन कहां बनती है इमेज की, वो होती है बिहाइंड द मिरर, और साइज होता है एनलार्ज्ड. इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज क्या होता है, बड़ा होता है. एंड जो इमेज फॉर्म होती है उसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल क्यों, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है. ये आप नोट कर लीजिए, जो भी इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होगी वो होगी वर्चुअल एंड वर्चुअल, एंड जो भी इमेज हमारी मिरर के सामने फॉर्म होगी वो होगी रियल. अब केस टू की बात करते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे था. जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे था तब हमारी इमेज कहां फॉर्म हुई थी, इंफिनिटी पे, और उसका साइज था हाईली एनलार्ज्ड. ओके, और उसका नेचर था रियल एंड इन्वर्टेड. रियल क्यों, क्योंकि वो मिरर के फ्रंट में फॉर्म हुई थी. केस थर्ड में जब हमने अपना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा था, दो इमेज फॉर्म हुई थी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, साइज था एनलार्ज्ड और नेचर था रियल एंड इन्वर्टेड. जब हमने अपना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी थी, साइज इमेज का सेम था एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो भी जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही हमारी इमेज का साइज भी था, और इमेज का नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड. जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तब हमारी इमेज कहां फॉर्म हुई थी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इमेज का साइज क्या था, डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा था, इट इज नॉट क्लियरली विजिबल, और नेचर था रियल एंड इन्वर्टेड. और जब हमने इमेज अपना सॉरी जब हमने अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस किया था तब हमारी इमेज बनी थी फोकस पे, और
उसका साइज था हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज थी, नॉट एट ऑल विजिबल, और उसका नेचर था रियल एंड इन्वर्टेड. सो इस चार्ट को रिमेंबर करने का एक आसान तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली एक ही ऐसा केस है जिसमें हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल रही है, जो कि था बिटवीन पोल एंड फोकस. सो ये एक एक्सेप्शन वाला केस है. उसके अलावा हमारे एक ये स्पेशल केस है जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस किया था एट सी. जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस किया था तो हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हुई थी, जो कि सेम साइज की थी और रियल एंड इन्वर्टेड थी. सो नेचर के केस में तो आपको बस एक ही केस ध्यान रखना है बिटवीन पी एंड एफ, और बाकी सारे रियल एंड इन्वर्टेड ही होंगे हमारे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर. अब हमारे पास चार केस बच गए, एट फोकस, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी एंड एट इन्फिनिटी. इनमें से आप कोई भी दो याद कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दीज टू. अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे. अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज क्या बनेगी, फोकस पे. जस्ट रिवर्स ऑफ ईच अदर. और इमेज इसमें थी हाईली एनलार्ज, इसमें थी हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड सेम. बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस वाला केस देखें तो इसमें इमेज फॉर्म हो रही थी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज का फॉर्म हो रही है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेम. इसमें थी एनलार्ज्ड और इसमें है डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड सेम. सो इसमें से आप बेसिकली ये दो केस आप याद करेंगे तो ये दो आप ऑटोमेटिकली याद कर लेंगे. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बननी है. ओनली एक स्पेशल केस है बिटवीन पोल एंड फोकस, जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमें देता है. सो दिस इज द चार्ट फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर. सो जस्ट रिमेंबर दिस चार्ट बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आस्क इन योर एग्जाम्स ऑल्सो. सो अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर के बारे में. सो कॉनकेव मिरर वी यूज एट डिफरेंट प्लेसेस, काफी सारी जगह हैं जहां पे हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं. सो इसमें से मैंने कुछ लिस्ट आउट की हैं कुछ कॉमन प्लेसेस. पहली है यूज्ड एज शेविंग मिरर्स. कॉनकेव मिरर हमेशा हम शेविंग मिरर्स में यूज करते हैं बिकॉज इन ऑर्डर टू व्यू द लार्ज इमेज ऑफ फेस. ताकि हमें अपना फेस थोड़ा बड़ा दिखे और हम शेप प्रॉपरली कर पाए. सेकेंड, वी यूज इट एज अ रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट्स, इन कार हेडलाइट्स. ओके, हम इसको यूज करते हैं एज अ रिफ्लेक्टर इन कार हेडलाइट्स. तो आपने देखा होगा कार के हेडलाइट्स आर वेरी बिग. ओके, तो उसमें रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं. सो वो रिफ्लेक्टर में क्या होते हैं, बेसिकली कॉनकेव मिरर्स होते हैं. कार हेडलाइट्स के अलावा हम इसको टॉर्चेस में भी देख सकते हैं, टॉर्चेस, ओके, लैम्प्स एसेट्रा. थर्ड, वी यूज इट इन अ सोलर पावर प्लांट. सो सोलर पावर प्लांट में वी यूज कॉनकेव मिरर बिकॉज कॉनकेव मिरर की एक टेंडेंसी होती है कि वो लाइट रेस को कन्वर्ज करता है एक सिंगल पॉइंट पे. सो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वी यूज इट इन अ पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट. वी यूज इट इन सोलर पावर प्लांट फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. और नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज यूज बाय डेंटिस्ट. डेंटिस्ट भी हमारे कॉनकेव मिरर ही यूज करते हैं बिकॉज जब वो किसी पेशेंट के टीथ को एग्जामिन करते हैं देन दे वॉन्ट टू सी द लार्ज इमेज. वो चाहते हैं कि उनको जो टीथ की इमेज है वो बड़ी दिखे. सो दे यूज दिस कॉनकेव मिरर्स. सो दीज आर सम कॉमन यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स.